अपने बारे में तो पहले बोलना चाहूंगी, आप जानना क्या चाहते हो पहले तो ये बताओ। अपने बारे में बताइए कि ये फोटो शूट आप करा रही हैं। ये जो फोटो शूट है ये मेरे एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए है, एंड बहुत ज़्यादा अच्छे सरप्राइजेज आ रहे हैं जो मैं आई डोंट थिंक सो मुझे डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। बट या ये एक बहुत ही हॉट सेंसेशनल आई कैन से एंड बहुत ही बोल्ड फोटोशूट होने वाला है, हो रहा है आई थिंक। सो या ये वाला जो कॉस्ट्यूम है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ग्लिटरी है एंड बहुत बॉडी फिटेड लाइक बॉडी कॉन ड्रेस है। अभी जो इसके बाद वाला आउटफिट है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आउटफिट के बारे में बताना चाहेंगे कि डिजाइनर कौन है? जी ये जो डिज़ाइनर है वो हाउस ऑफ बॉसी करके है। सो बेसिकली इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड एंड मैं सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए शूट करती हूँ। सो ये जो आउटफिट्स है वो सारे उनके तरफ से है एंड उनके आउटफिट्स काफ़ी मुझे पसंद है। इसके साथ ही आज की फोटोशूट के थीम के बारे में जानना चाहेंगे, सिर्फ वेस्टर्न है या इंडियन भी कुछ नज़र आएगा? फिलहाल आज के लिए एक बोल्ड कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने बोला है एंड आई एम ट्राइंग कि आज सारे वेस्टर्न हो, बट प्रोबेबली मैं इंडियन भी लाऊंगी, बट नॉट टुडेज फोटोशूट, आज हम सिर्फ वेस्टर्न करने वाले हैं। अच्छा, फिल्मों की बात करें तो आपने साउथ में काफ़ी काम किया है। हाँ जी, ऑडियंस जानना चाहती है कि बॉलीवुड में कब नजर आने वाले हैं? बस आई थिंक प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मेरी जो एक मूवी है वो ऑलमोस्ट रिलीजिंग पे है दिसंबर में। सेकंड मूवी आई थिंक आप लोगों ने मक्खी मूवी देखी होगी, सो आई एम गोइंग टू प्ले सेकंड लीड एंड आई थिंक अ लीड माइट बी। सो मेरी जो मक्खी मूवी की सेकंड जो मक्खी टू है जो सेकंड पार्ट आने वाला है उसमें आप लोग मुझे देखोगे। सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल है एंड बॉलीवुड में तो आई थिंक मेरे 3-4 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, तो वो शायद नेक्स्ट ईयर होंगे। सो बस आप साउथ में क्या कुछ कर रहे हैं? साउथ में जैसे मैंने बोला मक्खी, अभी मेरी एक मूवी बंजारा जो रिलीज़ हो रही है जिसमें आप मुझे प्रकाश राज के साथ देखोगे, ये आई थिंक आप लोगों ने वांटेड मूवी देखी होगी। सो उसमें ही इज़ प्लेइंग अ रोल ऑफ गनी भाई, सो वो मेरे पापा का रोल कर रहे हैं उनके साथ, मतलब आप देखोगे। एंड काफ़ी सारे हैं जो आई थिंक मेरे को सरप्राइज़ रखना चाहिए बिकॉज आप लोगों के लिए भी तो वो होना चाहिए, हाँ अच्छा ट्विंकल इज़ कमिंग अप विद समथिंग न्यू इन साउथ, ट्विंकल इज़ कमिंग अप इन पंजाब। सो क्या अच्छा ट्विंकल बॉलीवुड में किस तरह के किरदार करना पसंद करते हो या क्या ड्रीम रोल होगा उनका? अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो कोई ऐसा ड्रीम रोल होगा कि हाँ मुझे इस तरह के किरदार बॉलीवुड में करने हैं? आप मतलब कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हो? मुझे सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई थिंक मेरे आज तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं उसमें आइदर आप मुझे रोमांटिक करते वक्त देखोगे, आइदर आप मुझे नेगेटिव करते वक्त मतलब यू नो ऑन स्क्रीन देखोगे। सो ये दो जो कैरेक्टर्स है वो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब मुझे सूटेबल होते हैं, मेरे रोल्स को सूटेबल होते हैं। जी दीपिका पादुकोण शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, लाइक आई जस्ट लव हर एंड जी फॉलो करती हूँ उनको बिकॉज आई जस्ट लव हर एक्टिंग स्किल्स एंड जैसे उन्होंने बाजीराव मस्तानी पद्मावती में एक्ट किया है, आई थिंक इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। सो या उन्हें फॉलो करती हूँ एंड उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। उसके अलावा अगर मुझे किसी के साथ काम करना है बॉलीवुड में तो आई वुड लव टू गो विथ राजकुमार राव, आई वुड लव टू गो विथ आदित्य रॉय कपूर एंड वन एंड ओनली सलमान खान। ये तीन जो है आर्टिस्ट आई थिंक इनके साथ मेरा एक ड्रीम है कि हाँ मैं काम कर सकूँ। जैसे कि आपने कहा कि आपको निगेटिव रोल काफ़ी पसंद है लेकिन आपका जो लुक है एक्टर से कम नहीं है, तो ऐसा क्योंकि आप निगेटिव रोल करना पसंद करती हैं, पॉजिटिव करना क्यों नहीं करती? जी पॉजिटिव भी मैं करती हूँ ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ, बट जो मेरे पे नेगेटिव रोल सूट होते हैं लाइक यू नो जो मेरा कैरेक्टर है, आई एम नॉट सेइंग कि बीइंग एन एक्ट्रेस, देखो अगर आप एक्टर हो तो आपको सारे कैरेक्टर्स में प्ले होना पड़ता है, वो आइदर नेगेटिव हो रोमांटिक हो या फिर देर आर मेनी मेनी थिंग्स लाइक यू नो थ्रिलर्स एक्शंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट्स अप टू यू कि
कैसे मतलब आपको शोकेस करना है. सो जैसे मैं अपने आप को स्क्रीन पे देखती तो आई फील लाइक ओके आई थिंक द नेगेटिव कैरेक्टर इज गोइंग टू वाव एंड ओके. रोमांटिक भी काफी अच्छा लगता है ये चीज है. अच्छा हाल ही में आपने कोई फिल्म देखी है हॉलीवुड की? अभी फिलहाल तो कोई नहीं देखी आई मीन टू बी फ्रैंक. अच्छा ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे फोटोशूट के लिए इधर और आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर? ऑडियंस को बस यही बोलना चाहूंगी कि जैसे अभी तक आप लोगों ने इस ट्विंकल कपूर को बना के रखा है वैसे आप बनाते रहिए एंड प्यार देते रहिए स्पेशली जैसे आप लोग देते रहते हो. देखो जब मेरे फैंस हैं जब आप लोग हो तभी मैं हूँ. सो बस ऐसे ही प्यार देते रहना सपोर्ट करते रहना. और मेरे हेटर्स को भी एक मैसेज देना चाहूँगी जो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी जब कोई लोग आगे बढ़ते हैं तो बीच में थोड़ी सी रुकावटें आती रहती है. तो आई थिंक अगर वो नहीं होगा मेरे लाइफ में तो मैं आगे कभी नहीं बढ़ सकती. तो मेरे लाइफ में कॉन्ट्रोवर्सी और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो हेटर्स को ये बोलना चाहूँगी कि बस बोलते रहना और बस हेट करते रहना. बट मेरे फैंस को भी ये बोलना चाहूँगी कि लॉट्स ऑफ लव. आप लोगों की वजह से मैं सब कुछ हुआ. सो थैंक यू सो मच. कौन है जो रुकावट डालता है? फैमिली सपोर्ट कितना मिलता है? फैमिली से तो नहीं है सर. फैमिली सपोर्ट तो देखिए मुझे पूरा 100% है. मतलब 100% भी नहीं बोल सकती मैं 500% है. बिकॉज जो मेरे मम्मा है वो मतलब शी इज़ लाइक ऑलवेज सपोर्टिंग मी. हमेशा मेरे शूट्स पर रहते हैं हमेशा मेरे सेट्स पर रहते हैं. तो मतलब इट्स लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. एंड जो नेगेटिव मैं बोल रही हूँ काफ़ी लोग देखो ऐसे होते हैं कि आप जब कुछ अच्छा करते हो तब लोग बीच में दरार डालने तो आएंगे. मतलब काम अच्छी हो रही है तो चलो बीच में कुछ ना कुछ करना है. मुझे ट्रोल करते लोग काफ़ी सारे मतलब ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करती बट हाँ मेरी आंखों के सामने तो आती है कि अच्छा ओके ये हो रहा है ये हो रहा है. मैं ये सोचती हूँ कि लोगों के पास इतना टाइम कैसे होता है. मतलब यू नो कि किसी की बारे में कुछ बुरा बोलो किसी के बारे में अगर कोई अच्छा कर रहा है अगर कोई आगे बढ़ रहा है या फिर आपके. मैं स्पेशली चाहती हूँ कि यू नो आई वॉन्ट टू बी अ गर्ल कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ स्पेशली. सो बस दैट्स इट. ये बोलना चाहूँगी बस सपोर्ट करते रहना बिकॉज मेरे को ये नहीं लगता कि नफरत करना है और मतलब यू नो ट्विंकल ऐसी है ट्विंकल वैसी है ये सब बोल के मुझे नहीं लगता कि ये कभी मुझे रोक पाएंगे. मैं तो वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि जो रुकावट डालते हैं जो आगे बढ़ते हैं उसी को लोग रुकावट भी डालते हैं. हाँ जी प्रियंका चोपड़ा हुई दीपिका पादुकोण हुई हाँ जी ट्रोल करते हैं तो हाँ जी आप इन सब चीज़ों को कैसे लेते हो? वो तो नज़रअंदाज कर देते हैं. हाँ जी इन सब चीज़ों को कैसे लेते हैं? बुरा नहीं लगता. मतलब मुझे ये मेरे दिमाग में आता है पहले तो कि बॉस इनके पास इतना टाइम कैसे होता है. मतलब टू बी फ्रैंक मेरे पास इतना टाइम नहीं. आई हैव टू गेट अप अर्ली मेरे शूट्स होते हैं मेरे पूरे स्केड्यूल लाइंड अप होते हैं. एंड जैसे कि मैंने बोला कि मेरी आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें आती है बट मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ. आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास उतना टाइम होना चाहिए कि मैं उस चीज़ को एंटरटेन करके मेरा टाइम वेस्ट करूँ. नो आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास इतना टाइम है. और मेरा रिएक्शन ये होगा कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि दूसरी एक्ट्रेसेस भी ट्रोल्स होती हैं तो आई थिंक उनका भी रिएक्शन यही होता है बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन देयर सेल्फ. वो उनके काम पर ध्यान देती है आई थिंक रेदर देन ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने से अच्छा. सो हेटर्स तो करते ही रहेंगे. आप लोगों ने कहावत सुनी होगी जब शेर चलते हैं तो कुत्ते भोंकते हैं. यस दैट्स इट. थैंक यू सो मच.